तो कहानी शुरू होती है पेशावर की तंगलियों में, जहां तीन दोस्त एक मिठाई की दुकान में काम किया करते थे। इनके नाम थे कुंदन लाल जग्गी, कुंदन लाल गुजराल और ठाकुर दास। दुकान बहुत मशहूर तो नहीं थी, पर तीनों की मिठास के चर्चे पेशावर के हर बच्चे की जुबान पर थे। सन 1947 में बंटवारे की खबर पेशावर की गलियों में आग की तरह फैलने लगी। बेबसी का मंजर था। इन हालातों में तीनों दोस्तों ने अपना घर छोड़ सरहद पार नया घर बसाना भी सही समझा। जो कुछ भी हाथ लगा उसको लेकर वह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच जब उन्होंने अपना सामान खंगाला तो उन्हें मिला पेशावर का स्वाद और एक नाम, मोती महल। दिल्ली में पेशावर की गलियां ढूंढते ढूंढते तीनों पहुंचे दरियागंज। यहां उन्होंने पाया कि हर गली का अपना एक जायका था। लजीज कबाब के बगल में सौंधी खुशबूदार बिरयानी और दो कदम चलते ही चाशनी में डूबी जलेबी। शायद यही ही बात थी कि तीनों ने दरियागंज की एक गली से फिर शुरू किया अपने जायके का सफर। लाल किला और मशहूर दिल्ली दरवाजे के लगभग बीचों बीच एक रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई, जो दिल्ली के स्वाद का एक अहम हिस्सा बना। यह वही जगह थी जहां जब तंदूर में चिकन ने बांग दी तो दिल्ली वालों को पहली बार जायका मिला तंदूरी चिकन का। फिर क्या था, दरियागंज की गलियों से, फिरोशा कोटला के तहखानों से, आईटीओ के ट्रैफिक के बीच से तंदूरी चिकन पहुंचा राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट्स में। इस तंदूरी चिकन के साथ एक दिन ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्या घटना थी, तो आप जितने ही सवाल पूछेंगे उतनी ही कहानियां आपको मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि चिकन उन दिनों बिना फ्रिज के शाम भर में खराब हो जाया करता था, तो उसको बचाने के लिए उसको एक शोरबे में डाला गया। फिर वहीं दूसरे लोग बोलेंगे कि एक बंगाली बाबू थे जो बोले कि चिकन तंदूरी तो बढ़िया है लेकिन उसमें ग्रेवी की कमी है। और फिर कुछ और लोग ये कहेंगे कि बंगाली बाबू नहीं, ये तो इंग्लिश बाबू थे। और आखिर में कुछ और लोग ये भी कहते हैं कि रेफ्यूजी भर एक बस आई पाकिस्तान से, जो भूख और बेबसी से लथपथ थी। बचा कुचा तंदूरी चिकन कहाँ सबका पेट भर पाता, तो इसीलिए एक शोरबे की तैयारी की गई। अब देखिए, कहानी जो भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि इस घटना से हुआ क्या। इस घटना से पहली बार बना बटर चिकन। फिर क्या था, बटर चिकन का नाम और स्वाद हर जबाब पर चटकारे लेने लगा। फिर क्या दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हर हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट के मेन्यू में बटर चिकन शामिल था। तो चलिए फिर हम दिल्ली शहर के तीन ऐतिहासिक रेस्टोरेंट घूमने चलते हैं, जिनकी कहानियां उनके बटर चिकन जितनी ही मशहूर हैं। पहले हम उन्हीं गलियों में लौट जाते हैं जहां से बटर चिकन की शुरुआत हुई थी। आइए चलते हैं मोती महल। देखिए, जब पंडित जी यहाँ आया करते थे वो बाहर रुका करते थे, यहाँ रुका करते थे और लाचियों का हाथ डाला जाता था, फिर वो अंदर आके खाना खाते थे। 15 अगस्त को भी यहाँ आते थे, जब झंडा फहराने जाते तो यहाँ रुक के जाते थे। मैडम इंदिरा गांधी, आप ये पूछिए कि यहाँ पर आया कौन नहीं।
कौन नहीं है, ये सारी फोटोएं आपके सामने लगी हुई हैं, ये भी लगी हुई हैं, ये भी लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। बॉर्डर राम से यहीं से सीखने आए 16 में, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बरा कबाब, ब्रेन मसाला, केसरी फिश टिक्का, वो मैं ही सिस्ट कर रहा हूँ। Well, the reason I got you here is that this place is where most of Indian food, the way it's known the world over, they all began here. 71 में खाया था, जब मेरे ख्याल में 21 साल या 22 साल का था, तब यही खाया था बटर चिकन मैंने, इसकी बहुत मशहूरी सुनी। और फिर बटर चिकन और दाल जो मांगी हुई थी उसका बिल मैंने 2 महीने संभाल के रखा। वैसे तो मुझे 22 ईयर्स हो चुके हैं रेस्टोरेंट लाइन में, मैं हर जगह देख रखा हूँ लोग क्या करते हैं, काजू और मगज की ग्रेवी बनाते हैं, उसको बटर चिकन में यूज करते हैं, शाही पनीर में यूज करते हैं, पनीर लबाबदार में यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों में यूज करते हैं। बशर्ते हमारे यहाँ पे मोती महल रेस्टोरेंट में काजू मगज यूज ही नहीं होता है, सिर्फ टमाटो की ग्रेवी यूज होती है, नॉर्मल मसाले होते हैं, हार्ड मसाले कोई हम यूज ही नहीं करते। आप कुछ भी खाएंगे गारंटी के साथ वो आपको नुकसान नहीं करेगा, बैलेंस डाइट के साथ हमने प्रूफ के साथ मैंने लिख रखा है, कुछ भी खाएंगे वो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते हैं खड़ी चीज़ें, खड़े मसाले और काजू मगज जो आपको नुकसान करें, पेट में गैस बनाए या कुछ। तो आइए दरियागंज से अब हम आपको ले चलते हैं कनॉट प्लेस, जहाँ की भीड़ भाड़ के बीच में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो शायद कनॉट प्लेस जितना ही मशहूर है। आइए चलते हैं क्वालिटी रेस्टोरेंट। हम ये 1940 में रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था, अभी यूज टू सर्व दी ब्रेकफास्ट टू द अमेरिकन जीआई, जहाँ LIC बिल्डिंग है यहाँ पे अमेरिकन जीआई का कैंप लगता था। एंड हाउ द रेस्टोरेंट गेट स्टार्ट, के उनको खाना सर्व होता था अर्ली, इट वॉज अ स्मॉल रेस्टोरेंट, देन इट्स बिकम अ प्रॉपर फाइन डाइनिंग काइंड रेस्टोरेंट। वी नोन फॉर इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड बोथ, एंड द फर्स्ट चॉइस इज चना भटूरा, एंड देन रेस्ट द मुगली फूड विच वी सर्व, like butter chicken, then we have chicken bharta and tar gosht and mutton, and continental is also very good here. Okay. The very good, we serve tomato paste, which is we are serving from the last long lasting, let's say around 60-70 years, and we have grilled paste with lemon butter sauce, it's also very good. Butter chicken hamara bhi bahut acha hai, aur other restaurant bhi serve karte hain, I think, aur jitne Indian restaurant hai sabke yahan butter chicken milta hai, aur sabka alag alag banane ka procedure hai, hamara bhi butter chicken kafi famous hai, log pasand karte hain. Butter chicken ki talash mein humne aakhri dastak di Pandara Road, jo shayad hona tha Pandava Road, पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल के गलती के कारण हो गया पंडारा रोड। आइए चलते हैं वहां की सबसे मशहूर और सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट हैव मोर रेस्टोरेंट में। Thank you.
one day Nehruji was taking a stroll at India Gate. So he saw these refugees and he inquired a little bit, who are these people and all. So he thought of, you know, giving these refugees a small setup where they can put up their space in their shop to earn their bread and butter. So definitely, you know, at that time Nehruji helped them. And they were given small space. Somebody was given at some NDMC market. We were blessed that we got the space here. So college goer students back then, and this place used to be open till late. So they used to, you know, after partying and after from their, you know, busy day of life, they used to come here and eat those kebabs. And while they used to stand here and eat, they, you know, always used to end up more. They used to end up eating more every time they used to come here. And they were like, they used to call my great-grandfather as Lala Ji. So they used to address him like that. They're like, Lala Ji, आपके हाथों में जादू है, आप क्या बनाते हो, ये खा के ना बहुत अच्छा लगता है और हम हमेशा घर से सोच के आते हैं कि हम इतना खाएंगे और हमेशा हम ज़्यादा खाते हैं. आपने अपनी दुकान का नाम वैसे क्या रखा हुआ है? They asked him. So, like, अभी तो हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, because back then nobody, you know, had any names. They were just running their places with simple idea that they want to serve. तो he said कि मेरे को तो नहीं पता, आप ही बता दो. फिर आपका खाना खाने के बाद हमारा मन करता है और खाएं. तो इंग्लिश में इसका नाम ना, इंग्लिश में इस चीज़ को हैवमोर बोलते हैं. तो आप हैवमोर क्यों नहीं रखते उसका नाम? तो उन्होंने इस बारे में सोचा. दे डिसाइडेड दैट दे विल कॉल द प्लेस व्हाट देयर गेस्ट हैव सजेस्टेड. सो दे नेम द प्लेस हैवमोर. व्हाट मेक्स दिस प्लेस बटर चिकन स्पेशल इज इट्स पेटेंट्स. ऑल द क्रेडिट गोज टू इट्स पेटेंट्स, बिकॉज यू नो द वे they have presented us out there to the general public who never walked in before, because we are serving fourth generation now. I have you know, the guests who are coming in who are coming with their fifth generation also, and some of them with their sixth generation. The continuous effort towards that, and our patron generally, you know, helping us, guiding us through, supporting us with their love. We tend to also make mistakes. They guide us through, they help us out. So I think it's a perfect relationship of us understanding our customers and trying to give them what they really want makes the butter chicken special. Otherwise, it's how everybody is, you know, putting their time and energy towards making up a thing. We are doing equally the same, but it's also our patrons who guide us through. So kisne banaya butter chicken? इस सवाल के जवाब को खोजते खोजते और दिल्ली की गलियों को घूमते घूमते हमें यह एहसास हुआ कि शहर में जितने लोग हैं और जितनी उनकी कहानियाँ, शायद उतने ही बटर चिकन भी. दिल्ली की तरह बटर चिकन अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से बदला और शायद बेहतर भी किया. आज हम दिल्ली वाले खुशकिस्मत हैं कि इतने अलग पुराने और बेहतरीन जायके हमें पूरे शहर में चखने को मिल जाते हैं. तो अगली बार जब आप बटर चिकन खाएं, तो याद रखिएगा कि आपने दिल्ली का इतिहास भी साथ चखा है. शुक्रिया. बैठता है शाहरुख खान जी, वहां बैठते सलमान खान. मैं बोल रहा हूं ना, आप पूछ रहे हैं यहां कौन सेलिब्रिटी आया कौन नहीं आया. कनेडी साहब वो बैठे हैं.